इस वक्त टाइम 24 न्यूज़ की टीम मौजूद है यमुना विहार में। जी हाँ, ये वही यमुना विहार है जहाँ की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बहुत से आरोप देखने को मिल रहे थे। इस वक्त टाइम 24 न्यूज़ इस व्यक्ति की टीम मौजूद है उसी यमुना विहार के पीड़ित परिवार के पास में, हमारे साथ मौजूद है। बात करके समझने की कोशिश करेंगे आखिर उस वीडियो के पीछे क्या सच था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। साहब ये बताइए, एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें आप भी उसमें सामने आ रहे हैं और जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि बहुत से लोगों ने आकर मारपीट की है, तो इसका पीछे का क्या कारण है? क्या वजह पीछे का, मतलब ये जो मारपीट हुई है इसका असल वजह क्या थी? मारपीट तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी उनसे, कोई वो नहीं था, लेकिन बाद में पता चला वो तो जानवर किस्म के लोग हैं, वो जिसके साथ भी करते हैं वो ऐसे करते हैं। पहचानते हैं आप? सामने आए पे पहचान लेंगे, लेकिन कुछ लोगों का नाम का पता चला मुझे, उसमें रवि है, किशन है और सुधीर पवार है, बादल है, ये लोग हैं जो गुंडे टाइप के लोग हैं, उनका काम ही है। तो कितने टाइम की घटना थी ये? 11:30 से 12 बजे की घटना थी ये। हम तो अपने घर में बैठे हुए थे आराम से, हमें हमारी मदर बीमार थी तो इसलिए अपने घर में बैठे हुए थे तीनों भाई, हमें कुछ पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। एक उन्हीं का आदमी हमारे गार्ड से तूतू में कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, तो हमारा एक भाई बाहर निकल गया, उसने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहा है तू, अपने घर जा रहा था, वो दूसरे घर है हमारा यहाँ पे, उसने उनकी बात सुनी तो वो रुक गया। रुकने के बाद में उस बदतमीजी कुछ ज़्यादा करने लगा गार्ड के साथ, वो तो उसने कहा भाई तू ऐसी बदतमीजी क्यों कर रहा है कि तू मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ? मैं कहना भाई कहने लगा भाई कौन हूँ? कहना जी मैं सुधीर पवार का साला हूँ और मैं ये कर दूँगा और वो कर दूँगा, फलाना कर दूँगा, निकटा कर दूँगा। अब उसने शराब पी रखी थी, मैं भी बाहर निकल गया, मैंने देखा यार इसे छोड़ो, इसने पी रखी इस टाइम, इसका मुलगना बेकार है, उसको हमने वहाँ से भेज दिया। अब उसके भेजने के बाद में उसने क्या कार्रवाई करी, क्या नहीं करी, किसको फ़ोन करा, किसको नहीं करा, इस बात का हमें कोई इल्म नहीं। वो 15 से 20 मिनट के बाद में जब ही आ गए, वो लोग इकट्ठे होके आ गए। आने के बाद में पहले उन्होंने बड़ा गेट को खुलवाया, बड़ा गेट खुलवाने के बाद में धमकी दे के उसको खोल ही नहीं तो तेरे गोली मार देंगे। उसके बाद में फिर वो हमारे दरवाजे के आगे खड़े हो गए, आके हमारे घर के आगे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था, सबसे बड़ी कमी ये हो गई, नहीं तो कैमरे में सारी रिपोर्ट आ जाती, हमारे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आसपास किसी के भी लगा हुआ नहीं था? नहीं, हम यहाँ आगे है उसके उसकी क्लियरिटी नहीं आ रही थी। अच्छा, उसमें साफ नजर ना? हाँ। तो कुछ किस चीज़ से आप पर हमला हुआ, कि हथियार वगैरह भी थे? उनके पास सारे हथियार थे, रोड थी, चापड़ थी, पिस्टन थी, सब कुछ था उनके पास, क्योंकि हैं ही वो गुंडे टाइप के लोग, हमें तो बाद में चलाना पता। हाँ जी, FIR करा दिया? FIR दर्ज करा दी। तो डॉक्टरी के लिए जो गए थे कितने लोग सामने आए? क्लियर कितने का हुआ? डॉक्टरी हुई थी कितने लोगों की? 7 लोगों की हुई डॉक्टरी। वैसे चोट 11 आदमियों को लगी, जिनको चोट जो दिखने वाली चोट थी उनकी हुई है डॉक्टरी, बाकी 4 आदमियों ने नहीं कराई, क्योंकि यार जब हमारी चोट ही नहीं दिख रही क्या पता चलेगा। तो महिलाएं भी शामिल थी इसमें? महिलाएं शामिल है, एक हमारी भावज है, एक हमारी बहन है, एक हमारी भतीजी है, भतीजी 14-15 साल की भतीजी है, उसकी नाक पे पता नहीं क्या मारा, उसके नाक पे निशान आ गया। ये वो लोग हैं जो डॉक्टरी करा चुके हैं जिनका आप नाम गिना? ये वो लोग हैं जिनको जिनकी डॉक्टरी हो चुकी है जिनका आप नाम गिना? हाँ हाँ। अच्छा, वो जो लोग थे जिनकी नहीं हुई है वो भी परिवार के ही लोग हैं? वो भी परिवार के लोग हैं, वो भी परिवार के? जी जी। अब पुलिस क्या आश्वासन दे रही है? पुलिस तो शुरू में तो बहुत हमें उनसे उम्मीद थी कि पुलिस हमारे लिए अच्छा काम करेगी, लेकिन आज साहब से मिल के हमें ऐसा एहसास हुआ कि आरोपी हमें बेगुनाह वो हैं। FIR की कॉपी ली अभी नहीं? अभी नहीं मिली हमें। अभी मिली नहीं है? नहीं। आपको मालूम भी नहीं होगा क्या धारा है? ना। तो मतलब ये है कि पुलिस से आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस अब पूरे तरीके से आपका साथ नहीं दे पा रही? लग रहा है जी हमें, ऐसे लग रहा है। हाँ। FIR की कॉपी अभी आपके पास में आई नहीं? आई अभी। सारा विवाद जो बताया जा रहा है वो बाहर गार्ड बैठे हुए, सुरक्षाकर्मी बैठे हुए, उन्हीं से लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। वो सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वारदात के पीछे पूरा मामला क्या था।
बने रहे मेरे साथ। हमारे साथ वो सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं जो घटना के वक्त पे यहाँ पर मौजूद हुए, जिनको लेकर सारा विवाद बताया जा रहा है। क्या नाम है? राजेश मिश्रा। राजेश जी, ये बताइए, दो दिन पहले यहाँ पर घटना हुई है, क्या पूरा मामला था? वो 11:30 बजे विकास वो आ रहा था अपना ड्राइवरी करके, तो मैं गया उसको पीछे, गेट खोल दे, गेट खोल के चला गया। फिर मेरे कह रहा, कैसे तू गेट बंद करता है, ये रोड है, किसी बाप का है, तू बंद कर रहा है, तू सुधर नहीं रहा है। हम कहा भैया मेरी नौकरी है, मैं तो बंद करूँगा, आप आओगे निकाल दिया, आप जाओ, आप क्यों लाल पीला हो रहे हो। तो उसके बाद गए गेट के बाहर, उसके बाद भैया जा रहे थे, तब मेरे गाड़ी फाड़ी दे रहे थे, तब भैया कहें मैं बंद कराया हूँ, बोलो गार्ड के क्यों बोल रहा है, मैं बंद करा, बोलो क्या करो कहीं, मेरा घर है, बंद नहीं कराऊँगा। उसके बाद भैया क्या हुआ है उधर जाके मैं नहीं जानता। यहाँ पर कितने लोग आए थे उस वक्त मौजूद थे? 10-12 आए थे सर, मैं चिन्हा नहीं कौन था कौन नहीं। अच्छा, आप पहचाने? चिन्हा नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, पहचान नहीं पाए, लेकिन कितनी तादाद होगी? 10-12 के थे। 10-12 लोग? हाँ जी। अच्छा, सभी के पास क्या कुछ डंडे वगैरह? 6 आए थे सब, नियत थे सब? हाँ नियत थे, कुछ भी नहीं था। नहीं, उसके बाद कैसे आके मारपीट हुआ। अच्छा अच्छा, तो फिर उसके बाद जब ये सारा हंगामा हुआ था, आप यहीं मौजूद थे? हाँ, 12 बजे रहा था सर। अच्छा, 12 बजे रात हुआ। जो लोग आए थे उनके भी चोट लगी थी क्या? सर मैं नहीं देखा। आपने देखा नहीं? आप भीड़ में, मैं अपना जान बचाना है कि मैं भी हर जाना, मेरे भी पत्थर लग जाए, पत्थर था हाथ में, मैं अपना जान बचा रहा था कि मैं भी नहीं मार जाऊँ, यहाँ इतनी भीड़ था, मैं अपना कि मैं कहाँ घुसूँ, मैं अपना, इसलिए मैं नहीं देखा कौन कौन था, कौन मारा, कौन कैसे हुआ। हम देखा हाथ में पत्थर, मैं डर के मारी भाग गए। हाथ में पत्थर थे? हाँ, पत्थर थे, मैं भाग गया। बहुत से पत्थर थे हाथ में, बहुत से लोग, सबके हाथ में ही थे या फिर डंडे वगैरह भी? तो बंदे के थे पत्थर, वही पत्थर से वार हुआ है। तो ये थी टाइम 24 न्यूज़ की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, जिसके मुताबिक हमने सारी तमाम आपको चीज़ें दिखाई। पुलिस पूरे तरीके से जांच में जुटी हुई है, अब देखना ये होगा कि पुलिस इन आरोपियों को पकड़ पाती है या नहीं। हालांकि पुलिस के ऊपर भी कहा जा रहा है कि हमें नहीं लगता पूरे तरीके से पुलिस हमारी मदद करेगी। कैमरा पर्सन शुएब और अपने सहयोगी जीशान के साथ मैं हया खान, टाइम 24 न्यूज़, बुलंदशहर। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।